हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने मोबाइल से कैसे दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ। अभी मेरा जीमेल अकाउंट मैं ओपन करता हूँ। अभी मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी आप किसी को भी मेल करना चाहते हैं, पहले आपका खुद का ईमेल आईडी पर लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे कि मेरा मैं खुद का मेरा ईमेल आईडी पर लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पेंसिल का लोगो दिखाई देगा नीचे, उस पर आप क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका खुद का ईमेल आईडी फॉर्म पर दिखा देगा, उसका नीचे टू दिखाई देगा। आप जिस को भी भेजते हैं उसको यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं जिसको भी ईमेल भेजूँगा उसका ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी मैं मेरा ईमेल आईडी लिख दिया। अभी आप कौन सा डॉक्यूमेंट पठाना चाहते हैं उसके उसके बारे में इस सब्जेक्ट में आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया। अभी आपके सामने एक कंपोज के ऊपर ऊपर में एक जो आप ईमेल सेंड करते हैं उसके साइड में एक निशान दिया होगा, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अटैच फाइल आ जाएगा, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप मोबाइल में जिस भी आपका जो होगा डाटा उस यहाँ पर सब दिखाई देगा। जिस फोल्डर को भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं इसके अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन करके ओपन कीजिए जिस भी फाइल को आप ईमेल करना चाहते हैं। अभी मैं एक फाइल को ईमेल करना चाहता हूँ, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर एक आपको सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर उस सेंड के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। अभी ईमेल सेंड हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट स्लो है, तो अभी ईमेल सेंड हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि ये ईमेल जो हम ईमेल आईडी को सेंड किए थे वो ईमेल आईडी सेंड हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हम देखेंगे। अभी मैं मेरा दूसरा जो ईमेल आईडी को सेंड किया था अभी उसके अंदर जाके देखेंगे कि सेंड हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये देखिए, मैं आपको 12:18 पर जो सेंड किया था अभी 12:19 आपका ये सेंड हो चुका है। ये देखिए आपका जो ईमेल सेंड हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी मोबाइल से अपना ईमेल आईडी से आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।